हमें पता है कि मोडावे इजो कितने ज्यादा बैडएस है, और वैसे ही उनका स्टूडेंट गाय अभी कुछ कम नहीं है। असल में गाया स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार है। गाया एक रेकलेस मर्सनरी था जिसको नोमुरा बुलाया जाता था। उगांडन बुश वॉर के समय गाया को पकड़ के फायरिंग स्क्वाड के सामने रख दिया गया था, पर गाया को आखिरी वक्त में बचा लिया गया था। पर डर की वजह से उसके अंदर एक एड्रेनलिन रस हुआ, फिर गाया का एक स्प्लिट पर्सनैलिटी बन गया और उसका सारा बाल गिर गया। ओके, कन्फ्यूज मत होना, गाया का जो मेन पर्सनैलिटी है वो है नोमुरा, और जब नोमुरा एड्रेनलिन रस एक्सपीरियंस करता है तब वो अपने गाया वाले पर्सनैलिटी में स्विच कर लेता है। हमें पहली बार उसको दिखाया गया था जब गाया एंड उसके ग्रुप ने बाकी को कैच कर लिया था, जो कि आया था उनके फॉरेस्ट होकाइडो आइलैंड में। उन्होंने बाकी को पेड़ से बांध के उसका मुंह बंद कर दिया था, और फिर नोमुरा ने एक चाकू निकाल के बाकी के गले पर कट भी मारा था। पर कुछ देर बाद नोमुरा ने डिसाइड किया कि वो बाकी को बाद में मारेगा, सो उसने बाकी के वाउंड पर मेडिसिन लगा दिया। बाद में बाकी फ्री होके एक एक करके नोमुरा के सारे मेंबर्स को मारने लगा। बाकी ने सबको हरा के एक होल में डाल दिया था, और तब नोमुरा पागल होने लगा था, मतलब वो बन रहा था गाया। और फिर गाया ने बाकी को अपने स्प्लिट पर्सनैलिटी के बारे में बताया, और बाकी एंड गाया का एक तगड़ा फाइट भी हुआ था, जो कि सीरीज का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट है, जिसका सबसे स्पेशल सीन था जब गाया नेचर की मदद से बहुत जोर से चिल्लाता है। खैर, बाकी अपने हानमा आर्मर की मदद से एंड में गाया को डिफीट कर ही देता है, और फिर गाया बाकी को खाने के लिए इनवाइट भी करता है, और ऐसे ही वो दोस्त बनते हैं। यूजीरो एंड बाकी के फाइट से पहले गाया चैलेंज करने गया था यूजीरो को। हमें इनका इनकाउंटर दिखाया गया था पर फाइट नहीं दिखा था। गाया ने तो यूजीरो के मुंह पर बोल दिया था कि बाकी बेटर फाइटर है यूजीरो से। बाद में जब यूजीरो हेलीकॉप्टर से बाकी से लड़ने आए थे तब सबसे पहले वहां से उतरा था गाया, जो कि यूजीरो के सामने झुका था और पूरा बैंडेज से लिपटा हुआ था, मतलब यूजीरो ने बेचारे को बहुत बुरा पहला था। बाद में जब जैक ने गाया को टैग किया था सिकोर्स्की से लड़ने के लिए, तब गाया ने सिकोर्स्की को इजीली हरा दिया था। गाया ने नेचर को अपना हथियार बनाया था। गाया ने सैंड उठा के सिकोर्स्की के मुंह पर फेंका था, एंड ये एरिना क्लीन भी नहीं होता तो इसमें सारे टूटे हुए दांत और मिरर्स के टुकड़े थे, सो इससे सिकोर्स्की को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा था। एंड फिर तो गाया सैंड के अंदर छुप भी गया था। एंड में गाया ने एक नट किक लगाया था सिकोर्स्की पर, जिससे सिकोर्स्की ने अपना डिफीट एक्सेप्ट किया। गाया के हाइडिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे है। पिकल आर्क में गाया छुपा था एक ट्री के लेयर में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था कि कोई उसको स्पॉट नहीं कर पाया था, और सिकोर्स्की के साथ लड़ाई में भी उसने यूज करके खुद को हाइड किया था। अब हम बात करेंगे कि क्या गाया अपने टीचर यानी कि मोडावे इजो को हरा सकता है कि नहीं। सो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें मोडावे और गाया का फाइट देखने को मिला था बाकी डो में, जहां गाया ने फाइट के समय मोडावे पर सल्फ्यूरिक एसिड कैप्सूल थूका था, पर मोडावे ने उसको कैच कर लिया था। पर जब गाया एक हिडन पिन से मोडावे पर हमला करने गया तो मोडावे ने एक रूमाल से गाया को काउंटर करके डाउन कर दिया था। सो इससे पता चलता है कि गाया अपने मास्टर को नहीं हरा सकता। फिर गाया बाकी डो में ही मुसासी से भी लड़ा था, जहां मुसासी ने भी उसका तारीफ किया था कि इस उम्र में गाया बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम गाया के एबिलिटीज देखेंगे। सो एक नोमुरा होके वो और कुछ नहीं, बस एक मेडिक है, पर जब वो गाया बन जाता है तब वो बिल्कुल ही अलग बन जाता है। और अगर बात हो जंगल में लड़ाई की तो गाया से आगे कोई नहीं है। गाया अपने बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। गाया के हिसाब से उसको अपने बॉडी में ज्यादा मसल्स की जरूरत नहीं है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, क्योंकि वो अपने एड्रेनलिन रस को कंट्रोल कर सकता है। इतना कम हाइट होने के बाद भी गाया ने सिकोर्स्की को बुरा पहला था। गाया ने तो सिकोर्स्की का दिमाग भी खराब कर दिया था, और इस लड़ाई में सिकोर्स्की एक भी अटैक नहीं कर पाया था गाया पर। गाया नेचर को अपना हथियार समझता है एंड उसको यूज करके ही वो लड़ता है। गाया ने तो जंगल में वेन को यूज करके बाकी को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। गाया का वोकल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करेंगे गाया के टेक्निक्स के बारे में, एंड इनमें से एक टेक्निक तो सीरीज का सबसे खतरनाक टेक्निक है। सबसे पहले एड्रेनलिन रस से गाया अपने बॉडी को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और ये गाया का सिग्नेचर मूव भी है। गाया अपने बॉडी में एड्रेनलिन रस को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद एयर ड्रम बस्टर से गाया बहुत तेज चिल्लाता है, जिससे उसका ओपोनेंट एक ही जगह स्टन हो जाता है। फिर रियर नेकेड चोक से गाया अपने ओपोनेंट के गले को पकड़ सकता है। वाटर बुलेट हमले से गाया अपने ओपोनेंट पर पानी फेंक के उसको कुछ समय के लिए अंधा कर देता है। कैमोफ्लेज से वो सिकोर्स्की के साथ लड़ाई में छुप गया था, और फिर उसने सिकोर्स्की को धोया भी था। उसके बाद स्टॉर्म से गाया अपने ओपोनेंट को किक मार के डाउन कर देता है, और हेडबट से वो अपने ओपोनेंट के मुंह पर अपना सरदे मारता है। और अब आते हैं गाया के सबसे स्पेशल एंड खतरनाक टेक्निक, जिसका नाम है टनल। इस टेक्निक से गाया एक सोफा या किसी और चीज के नीचे छुप के रहता है, और जब कोई उस पे बैठता है तब गाया उसके पीछे से, जी हां उसके पीछे से घुस के उसके मुंह को बुरी तरीके से फाड़ के निकलता है, और इस प्रोसेस में वो ओपोनेंट मर जाता है। गाया ने इस मूव को एक ही बार यूज किया था बाकी गाइड एंड गाया नाम के साइड मांगा में। गाया का कहना था कि वो ये मूव इसलिए कर पाया क्योंकि वो बहुत छोटा है हाइट में। फैन ट्रांसलेशन में इस टेक्निक को डार्क टनल बुलाया गया था, जबकि इस टेक्निक का एक्चुअल नेम सिर्फ टनल है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। गाया को माना जाता है कि ग्रीक माइथोलॉजी के गाया से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है, जो कि एक टाइटन है जिसको कि मदर अर्थ और मदर नेचर भी बुलाया जाता है। और एनीमे में गाया जंगल वॉरफेयर और नेचर को यूज करके लड़ाई करना जानता है। गाया बहुत सिमिलर है
रैम्बो फिल्म सीरीज के जॉन रैम्बो से। दोनों ही बहुत इफिशियंट एंड लीथली मर्सिलेस सोल्जर्स से। दोनों ही प्रकृति का यूज करना अच्छे से जानते हैं। दोनों ही जंगल वॉरफेयर में माहिर है। दोनों ही थोड़े साइको है और दोनों ही बंडाना भी पहनते हैं। गाया का टेक्निक टनल को बाकी सीरीज का सबसे ग्रूसम मूव एंड सबसे हॉरिफिक एंड वायलेंट मूव माना जाता है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही एंड सॉरी भाई मैंने गाया का एनाटॉमी लाने में इतना देर कर दिया, पर आई होप आप लोग मुझे माफ कर दोगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अपना ध्यान रखना और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।